हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज या सेट सी का अभ्यास 9 है। इस तरह के 16 से 17 सेट है, सभी सेट के अंतर्गत 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार 7 से 8 6 7 8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो भी आपने नोट्स से पढ़ा है या मेरे वीडियोज से पढ़ा है या थ्योरी सेशन पढ़ा है, उसका स्कोर चेक कीजिए। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, केबीएस एनबीएस हो, तो दोस्तों सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन, सभी चीजें हैं, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और सभी क्वेश्चन को हल कीजिए और देखिए कि आपने कितना हल कर पाया। तो क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप सभी लोग न्यूटन से परिचित हैं, इन्होंने गति विज्ञान, गति के तीन नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम या त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसलिए इनको कहा जाता है गति विज्ञान का पितामह। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गति के तीन नियमों को न्यूटन का गति के तीन नियम कब प्रकाशित हुआ? तो 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में, उनके पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। नेक्स्ट, किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो दोस्तों, किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों किन्सिस प्लस लोगस से बना है। किन्सिस का अर्थ है गति, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ गति का अध्ययन। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम के लिए किस मनोवैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग या त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लेकिन इनके जड़त्व के नियम को जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। तो जड़त्व के नियम के लिए कौन सा किस वैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? तो गैलीलियो को मिली। नेक्स्ट, जोड़ों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। एंड जो आपका साइटोलॉजी है, इसमें कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। मायोलॉजी को मांसपेशियों का अध्ययन, सेरोलॉजी को रक्त के सीरम का अध्ययन। नेक्स्ट, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? तो सर आइजेक न्यूटन ने दिए हैं 1687 में। नेक्स्ट, अगर एक गेंद ऊपर फेंकी जाए तो वह नीचे क्यों आती है? तो यह दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। नेक्स्ट, कार्य का सूत्र क्या है? तो कार्य का सूत्र है W बराबर F गुणे D। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल तल कैसा होता है? तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल तल जो होता है वह जमीन के समानांतर होता है। कैसे होता है? जमीन के समानांतर, जैसे कि ये आपका शरीर है, ठीक है, जैसे कि इसमें तीन तल होते हैं। कितने तल होते हैं? तीन तल, एक होता है सेजिटल, एक होता है फ्रंटल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये जमीन के क्या है? जमीन के समानांतर है। कैसा है? समानांतर। जो सेजिटल होता है, ये सेजिटल जो है ये शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, जो फ्रंटल है शरीर को आगे पीछे बांटता है, जो हॉरिजॉन्टल है शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम निम्न में से कौन सा है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का थर्ड नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड्री लाइन से क्षेत्र रक्षक द्वारा विकेट कीपर के सीधे हाथों में बाल को फेंकने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा। न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग का नियम लगेगा। संवेग के नियम के अनुसार कि किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में
संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम का नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों दूसरा न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसको मोमेंटम का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम, इतने नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो सीजीएस का पूरा नाम क्या है? सीजीएस का पूरा नाम है सेमी ग्राम सेकेंड। क्या है? सेमी ग्राम सेकेंड। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि फोर्स यानी बल का मात्रक क्या है, तो आपको पता है कि न्यूटन है, बट बल का मात्रक पूछ लिया जाता है सीजीएस पद्धति में क्या है, एमकेएस पद्धति में क्या है, या पीएस पद्धति में क्या है। तो बल का मात्रक जो है वह सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेमी ग्राम सेकेंड। तो सीएच पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, और एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एंड एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक है पाउंडल। नेक्स्ट है, जोड़ों की गति में एबडक्शन किसे कहते हैं? तो दोस्तों एबडक्शन क्या होता है? अपने कंधे को, अपने कंधे के लेवल को उठाना, अपने शरीर से दूर ले जाना, यानी मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना एबडक्शन कहलाता है। और एडक्शन जो है मध्य रेखा की तरफ पास लाना एडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, चाल का सूत्र क्या है? तो चाल का सूत्र है दूरी बट्टा समय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण को कौन इसमें स्पष्ट कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ है, जहां वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित हो वहीं पे आपका केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ समस्त भार जिस बिंदु पर समस्त भार कार्य करता है वहीं पे केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जड़त्व का नियम दो चीजों पर कार्य करता है, जैसे कि जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके दो प्रकार है, एक गति की अवस्था, एक विराम की अवस्था। तो दो प्रकार आपका हो जाएगा, यहाँ पे दो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की संरचना, नाड़ी तंत्र, मांसपेशी जोड़ आदि के साथ हम भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा उनके सिद्धांतों को भी उपयोग में करते हैं? तो दोस्तों यह आपका होता है जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है, क्यों ऐसा क्यों करता है? तो वह केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसके कारण उसका संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करे क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है स्ट्रेंथ यानी ताकत। नेक्स्ट है, किसी कार्य एवं अभ्यास को कम से कम समय में करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं गति, स्पीड। नेक्स्ट है, 25 गज की दौड़ से क्या मापा जाता है? तो बोलिए 25 गज, तो 25 गज की दौड़ से हम क्या मापेंगे? चाल यानी स्पीड को मापेंगे। इसमें अनैरोबिक क्षमता लगेगा, अनैरोबिक प्रकार की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, ताकत को खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार में बांटा गया? ताकत यानी स्ट्रेंथ को।
यानी शक्ति को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो तीन प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति, तीसरा है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट, एक मीटर में कितने गज होते हैं दोस्तों? तो एक मीटर में 0.914 गज होता है। नेक्स्ट, निम्न में से गति और शक्ति का मिश्रण कौन है? तो दोस्तों गति और शक्ति का मिश्रण कहलाता है विस्फोटक शक्ति, ठीक है। और वही भी शक्ति और सहनशीलता का मिश्रण कौन होता है? शक्ति सहनशीलता स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। नेक्स्ट, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशियों की लंबाई न बढ़ता है और न घटता है मगर तनाव बना रहता है? आपने सही जवाब दे दिया होगा, यह है आइसोमेट्रिक, ठीक है, जिसमें लंबाई पेशियों की लंबाई कोई चेंज नहीं होती, गति होता हुआ दिखाई नहीं देता मगर तनाव बना रहता है, आइसोमेट्रिक होता है। और जिसमें लंबाई घटती बढ़ती है और गति स्पष्ट होता दिखाई देता है उसे कहते हैं आइसोटोनिक। और आइसोकाइनेटिक जो होता है पानी वाले खेलों में ज्यादातर गति एक समान इसमें होती है, मशीनों द्वारा किया जाता है जैसे रोइंग, तैराकी, नाव खेना आदि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, उस काल को हम क्या कहते हैं? तो उस काल को हम कहते हैं दोस्तों क्षतिपूर्ति का काल, रिकवरी का काल। रिकवरी पीरियड में हम जो भी ऊर्जा ह्रास हुआ है तुरंत उसको बना लेते हैं, पुनः हम पहले जैसे स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रशिक्षण का भार साधारण से जटिल रूप में दिया जाना चाहिए, यह कथन किसके लिए सही है? दोस्तों यह प्रशिक्षित खिलाड़ी के लिए भी होगा और नौसिखिया के लिए होगा, क्योंकि जितना साधारण है उतना ही देते रहेंगे तो उसका परफॉर्मेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, तो साधारण से जटिल को थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो प्रशिक्षित खिलाड़ी हो चाहे नौसिखिया हो, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिशील विधि यानी आइसोटोनिक में क्या विकसित किया जाता है? तो दोस्तों इससे शक्ति यानी स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है। स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षण भार है वो हमेशा साधारण से जटिल की ओर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? साधारण से जटिल की ओर, जितना आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, जटिल करते जाइए, जिससे वो और अच्छे से कार्य करे, उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़े। नेक्स्ट है, क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे कंट्री से तात्पर्य है उबड़ खाबड़ जगह, झाड़ी वाला मैदान। नेक्स्ट है, निम्न में से सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, आइसोमेट्रिक तो स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, एंड 50 मीटर स्प्रिंट जो है स्पीड को डेवलप करती है, यहाँ फॉर्टलेक मेथड जो है आपका इंड्योरेंस को डेवलप करती है, सहनशीलता को डेवलप करती है, तो फॉर्टलेक विधि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को समसिता यानी उच्च तीव्रता पर करने के पश्चात अधूरी क्षतिपूर्ति रखी जाती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष रूप में ध्यान देना है। उच्च तीव्रता के साथ साथ अधूरी क्षतिपूर्ति रखी जाती है अंतराल प्रशिक्षण विधि में, यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंतराल विधि। वही पे कहेगा अधूरी क्षतिपूर्ति उच्च तीव्रता के साथ अधूरी क्षतिपूर्ति कहेगा तो अंतराल विधि यानी कि इंटरवल मेथड, अगर उच्च तीव्रता के साथ पूर्ण क्षतिपूर्ति कहेगा तो वहां पे हो जाएगा आपका रिपीटेशन मेथड। जैसे कि आप जानते हैं सहनशीलता को डेवलप करने के लिए चार विधियां होती हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। नेक्स्ट है, मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस विधि को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मंद खिंचाव स्ट्रेस करके थोड़ा सा हम उसको होल्ड करेंगे तो यह
लचकता को विकसित करने की श्रेष्ठ विधि है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधियाँ हैं बायलेस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, PNF मेथड, जिसके बारे में मैंने थ्योरी सेशन में अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट है, हृदय दर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हृदय दर नापने वाले यंत्र को कहते हैं स्टेथोस्कोप। यहाँ पे आपका गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी मापा जाता है, थर्मोमीटर से बुखार का टेम्परेचर मापा जाता है, एंड कार्डियोमीटर से हृदय की असमानता मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम। जैसे कि आप स्प्रिंट दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय आपको कहा गया ऑन योर मार्क सेट एंड जो गो, यानी कि बंदूक की आवाज, बंदी की आवाज सुनाई दिया, आपने तुरंत उस पर रिएक्ट करके तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दिया, इसी को कहते हैं संकेत मिलते ही गति प्रारंभ कर देना, प्रतिक्रिया समय है। नेक्स्ट है, बार बार अभ्यास करने से निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो दोस्तों, बार बार अभ्यास करने से श्वास दर में कमी आती है, और जितना आप आराम से श्वास लेंगे उतना ही आप स्वस्थ कहलाएंगे। जैसे कि श्वास लेने का 12 से 20 बार आप नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज या अभ्यास करते हैं उस टाइम 40 से 50 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब प्रशिक्षित होता हो जाते हैं बार बार करने के बाद, तो 7, 8 या 10 बार ही आप सांस लेते हैं आराम आराम से। आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, किसी भी कार्य को करने में जल्दी नहीं थकते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर अगर खेल मैदान स्थित है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, ऑक्सीजन की कमी, जाहिर सी बात है, आप जितना ऊपर जाएंगे कुछ लेवल पर वहां आपको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, एंड गुरुत्वाकर्षण बल की कमी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कमी होगा, हवा के प्रतिरोध में भी कमी आएगी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से क्या विकसित होगा? 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा हुआ, 2 मिनट से ज्यादा की जितने भी दौड़े हैं या क्रियाएं हैं वो सहनशीलता में आ जाएंगी, तो क्या होगा? सहनशीलता यानी एंड्योरेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सिटअप्स में क्या विकसित होता है? जैसे सिटअप जब हम करते हैं तो डायरेक्ट उसको फोर्स लगता है हमारे पेट पे, यानी पेट की मांसपेशी की ताकत को विकसित किया जाता है। सिटअप्स में क्या? पेट की मांसपेशी की ताकत को विकसित किया जाता है। अगर फोर्स बीच में है तो कौन सा लीवर होगा, कौन सा उत्तोलक होगा दोस्तों? थर्ड, ठीक है, कौन सा होगा? थर्ड। यह तो सिटअप क्या है, थर्ड प्रकार के उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का मांसपेशियों से तालमेल या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यानी कॉर्डिनेशन बनाए रखने एवं इसको विकसित करने के लिए विद्यालयों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाना चाहिए? तो दोस्तों, ये होता है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, तुरंत प्रतिक्रिया करने की, क्षण में सोचने की स्पीड से करना होता है, तो न्यूरो मस्कुलर कंडीशन को आपको तालमेल बैठाना होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिप्पोक्रेट्स को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट दोस्तों, नाडा का पूरा नाम क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं नाडा वाडा, ये ओलंपिक में डोपिंग को कंट्रोल करने वाली संस्था है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा क्या होगा? नाडा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। एंड दोस्तों, वाडा जो है, वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ, और वाडा का मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है, और वाडा का वर्तमान अध्यक्ष है बिटोल्ड बांका। नेक्स्ट है, निम्न में से RICE से संबंधित गलत क्या है? दोस्तों, प्राथमिक उपचार की ये थंब रूल बोला जाता है RICE को, तो इसमें R से मतलब होता है रेस्ट, I से मतलब होता है आइस यानी बर्फ लगाना, और C से होता है कंप्रेशन यानी दबाना, E से होता है आपका इलेवेशन। तो यहाँ पे आपका R से रेस्ट राइट है, और I से
आइस आपका राइट है, ई से इलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना ये भी राइट है, बट सी से कंप्रेशन होता है, यहाँ पे कूल दिया है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? पुनः स्थापन यानी कि रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास जो होता है वो किससे संबंधित है? तो पुनर्वास की तीन विधियां होती हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां और चिकित्सा विधियां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चोट लगने के पश्चात चिकित्सकीय प्रक्रिया। नेक्स्ट है, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का विद्यालयों का प्रयोग करता है। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों एवं विधियों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये होता है आपका एर्गोजेनिक एड्स। अगर वही भी होता है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए गलत तरीके के दवाओं का प्रयोग करता है, ड्रग्स का प्रयोग करता है, तो वो आपका हो जाएगा डोपिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के दौरान अचानक से मांसपेशी या टेंडन के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को से उत्तक तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? जैसे कि आपने सही आंसर दे दिया होगा, यह कहलाता है मांसपेशी या टेंडन की चोट, स्ट्रेन। वहीं पर लिगामेंट को बोलता है अचानक से मांसपेशी अचानक से टूट जाने, अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने के, तो वहां पर स्ट्रेन हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन जो होता है लिगामेंट की चोट होती है, स्टिच जो होता है हमारे दौड़ते समय या कोई क्रिया करते समय पेट के नीचे अचानक से डायफ्राम पेशी में दर्द होता है, तीखा दर्द होता है, उसको स्टिच कहते हैं। फ्रैक्चर जो है हड्डियों को टूटने को हम फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिकित्सा विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह पैराफिन बाथ में मोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस उपचार में पानी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है, एंड वैक्स थेरेपी, मोम चिकित्सा को वैक्स थेरेपी बोला जाता है, और विद्युत चिकित्सा को इलेक्ट्रोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 1779 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी का पिता HM HNWall को बोला जाता है। तो दोस्तों ये था 50 MCQ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।